हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। और अभी छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि, और रिजल्ट की अगर मैं अपडेट देखूं तो यहाँ पर चेकिंग का काम आप लोगों का धीरे धीरे खत्म होने को है, क्योंकि हम लोगों ने लेटेस्ट जो लास्ट वीडियोस थे उनमें देखा ही है कि कितना ज़्यादा परेशानी हुई, कितना ज़्यादा जो है टीचर्स को दिक्कत हो रही है आप लोग की शीट्स चेक करते टाइम। बट स्टिल जैसे कि आप सब लोगों को पता है, टेंथ के जो पेपर होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा भी झंझट जो है वो ज़्यादा रहेगा चेकिंग करने में और मार्किंग करने में, आप लोगों के मार्क्स कॉम्पिटिशन करने में। और ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ का इजी है क्योंकि उनका तो सेम ही जो पुराना चलता आ रहा है कि हाँ आपको 27 नंबर लेने हैं, 27 नंबर से अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो आप ओवरऑल पास हो जाते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अभी आप लोगों की प्रोसेस किस तरीके से रहेगी कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं, जब आपकी कॉपी जो है वो चेक हो जाएंगी, मतलब शीट्स चेकिंग जो है वो खत्म हो जाएंगी तो वो बोर्ड में वापस आ जाएंगी। ओके, बोर्ड में आने के बाद बोर्ड आपके असेसमेंट मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करेगा। इसमें जो ज़्यादा झंझट होगा ना वो टेंथ क्लास वालों के साथ होगा, ट्वेल्थ क्लास वालों का थोड़ा सा कम रहता है। बट चेकिंग जो है, आप लोगों को पता है टेंथ क्लास के पेपर जल्दी खत्म हो जाते हैं, ट्वेल्थ क्लास के पेपर थोड़ा लेट तक चलते रहते हैं, तो इसलिए रिजल्ट और इनकी चेकिंग की डेट जो है वो आगे पीछे चलती रहती है। तो अभी जो है कौन सी प्रोसेस चलेगी, मतलब कि अब आप लोगों की देखिए शीट जब चेक होगी ना तो वो आपकी बोर्ड के पास जाएगी। ओके, बोर्ड के पास जाने के बाद में जब अभी चेकिंग खत्म हो रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब कुछ दिनों में चेकिंग खत्म होकर आपके आंसर शीट जो है सारी की सारी बोर्ड के पास जाएंगी और वहाँ से आपके असेसमेंट के मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो काम खराब होते हैं ना वो ये मार्क्स कॉम्पिटिशन प्रोसेस के अंदर ही होते हैं, क्योंकि मार्क्स कंपाइल किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1, 2, 3 साल वाले जो हैं वो पेपर उन्होंने दिया होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीटीबी और ओपन वाले होते हैं जिनकी असेसमेंट लगानी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे, क्योंकि असेसमेंट बोर्ड जो है अब वो किस बेस पर लगाएगा, उसके पास प्रीवियस डाटा, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका तो चलो स्कूल से डाटा मिल जाता है, इसीलिए जो है वो असेसमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोचा देखने के लिए मिलता है। पिछले साल जो है बच्चों की असेसमेंट 3 और 4 लगाई हुई थी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इस बार तो असेसमेंट ही बेस है आप लोगों को पास करवाने का, करवाने का है ना, क्योंकि टेंथ क्लास में आपके असेसमेंट के बेस पर ही आप पास या फेल हो, ये चीजें गारंटी के साथ फिक्स ही है, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि इस तरीके का रूल है कि आपको असेसमेंट प्लस थ्योरी मिलाकर जो है वो टोटल 33 मार्क्स आपके बनने चाहिए, है ना। तो लेट्स सी कि इस चीज में ये लोग क्या करते हैं और आप लोगों के प्रैक्टिकल और असेसमेंट के मार्क्स इस तरीके से ही जाते हैं। बाकी जो स्कूल वाले हैं उनके असेसमेंट के मार्क्स तो 18, 19, 20 ऐसे ही जाते हैं, बट ओपन वाले हो गए, सीटीपी वाले हो गए, या जो 1-2 साल से पुराने जो दे रहे हैं बच्चे, उनके मार्क्स हैं जो पिछली बार पहले पेपर दे रखे हैं अब दे रहे हैं, तो उनके तो असेसमेंट वाले प्रीवियस मार्क्स से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा रहता है, राइट। बट जो अभी पेपर दिया जिन्होंने ओपन से, सीटीपी से और ओपन वाले स्पेशली, तो उनके असेसमेंट को उन बेसों पे लगाते हैं कि हाँ भाई आप लोगों को पिछला जो है वो स्टडी क्या रही, आपने कौन से स्कूल से करी, आपने उसमें कितने मार्क्स लिए, या आपकी प्रीवियस डीएमसी, ये सारी चीज़ें फैक्टर। सो इसलिए इस प्रोसेस के अंदर जो है आप लोगों के हफ्ते से 10 दिन की प्रोसेस जो है ये रहती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झमेले और काफ़ी ज़्यादा झंझट होता है, ठीक है। हालांकि आंसर शीट्स आप लोगों की जो चेकिंग की हैं जितनी कंप्लीट होती जा रही है, बोर्ड के पास आ रही हैं, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट ये लोग कब तक देते हैं, क्योंकि अब हफ्ता 10 दिन अगर इसके अंदर लग रहा है, देखो अप्रैल जो है वो खत्म होने को है, खत्म हो ही गया बस समझो, और मई जो है वो स्टार्ट है, तो मई मिड तक तो है इन लोगों की प्रोसेस खत्म होगी, और उसके बाद में आप लोगों का, जहां तक मुझे लगता है मई लास्ट तक ही आप लोगों का रिजल्ट आने का चांसेस है, मतलब 15-20 डेट तो टप ही जाएगी आप लोगों का रिजल्ट आने में, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी आप लोग अपना जो अपकमिंग आपका जो क्लास है, अपकमिंग आपका जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा माइंड में रखिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस कोर्स में जाना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें ना डन रखिए और एक पॉजिटिविटी रखिए। आधे तो सोच ही नहीं रहे होंगे, आधे को तो पता है कि यार कंपार्टमेंट आनी है, कुछ होना तो है नहीं आगे जाके, तो क्या करना, तो ये सारी चीज़ें बेकार की नहीं सोचनी है, जस्ट बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव होने से ना सब चीज़ें हो जाती हैं, यकीन मानो, बट नेगेटिव रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, रोते रहोगे बस। ओके, और इसके अलावा में अगर आप लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या इफ़ यू वांट टू टॉक इन फ्लुएंसी, मतलब कि अगर जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना है, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको जस्ट अपना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो अप करना है, सो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप भी है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।